16 फिफ्थ 2023 स्वेज बोर्ड परीक्षा आपकी, जिसका पेपर सॉल्यूशन आज दे रहे हैं मैं आपको, गणित सब्जेक्ट का, मैथ्स का। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका, न्यूमरल फॉर्म ऑफ द 2326 इज, तो 2326 इसका आंसर हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कौन नहीं होता है? तो बच्चों ये आंसर, एक ऑप्शन ही गलत है, इसमें एक दो तीन चीज़ सिमेट्रिक नहीं है। तो इन तीनों में से जो भी ऑप्शन आपने लिखा होगा वो आपका सही होगा। द नेक्स्ट नंबर ऑफ पैटर्न 7, 12, 17, 22, 27, इसमें आप देख रहे होंगे हर एक नंबर में 5, 5 का डिफरेंस है, इसके बाद 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5 जोड़ोगे 27 में, तो 5, 32, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इज, किसी स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है? बी 4 into साइन। अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन बार चार्ट, आपके सामने एक बार चार्ट दिख रहा है, आपको क्लास में करवाया होगा टीचर्स ने, तो इसमें चार स्टूडेंट हैं, मुकेश, गोलू, रोहन और अंजलि। इनमें से शॉर्टेस्ट हाइट किसकी है, सबसे छोटी बिल्डिंग है, रोहन की दिख रही है, तो ऑप्शन सी, रोहन की हाइट सबसे छोटी है। तो जो नेक्स्ट है, अ क्यूब हैज, क्यूब की कितनी फेस होती है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स है, अ क्यूब हैज 6 फेसेस। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 12, ब्रिथ 9, जिसकी लेंथ 12 हो, ब्रिथ 9 हो बच्चों, तो उसका एरिया होता है 12 9 108 स्क्वायर सेंटीमीटर, 108 आंसर है। ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल, बच्चे इसका क्या ट्रायंगल लिख लेना बस, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देर आर 6000 ग्राम इन 6 किलोग्राम, 6 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 6000, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000, 6 में 6000। 2 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 2 लीटर इक्वल टू 2000 मिलीलीटर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पीछे क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। क्वेश्चन 11 है, व्हाट इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है बच्चों, तो इसकी डेफिनेशन लिखना थी हमको। तो आप जानते होंगे क्या होता है एक्यूट एंगल, जो कि होता है कहाँ से कहाँ तक, जो होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा। तो एन एंगल हम क्या लिखेंगे, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, वो हो गया आपका एक्यूट एंगल, ठीक है। 11th क्वेश्चन है आपका ये। अगला देखो बच्चों, हाउ मेनी राइट एंगल्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट एच के अंदर कितने राइट एंगल है बच्चों, तो बना के भी दिखा दो, समझा भी दो कैसे होता है। 4 राइट एंगल होते हैं इसके अंदर, 4 राइट एंगल, कैसे आप सभी को बताओगे राइट एंगल कहाँ आते हैं? 1 2 3 4 राइट एंगल यहाँ पर एच में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 13 देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, हाउ मेनी राइट एंगल, ये तो हो गया, फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जिसकी लेंथ 7 हो, ब्रिथ 6 हो, लेंथ 7 और ब्रिथ 6। तो बच्चों पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे लेंथ कितनी दी है 7 सेंटीमीटर, ब्रिथ कितनी थी 6 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 into length plus breadth, 2 into 7 plus 6, 2 into 13 सेंटीमीटर, यहाँ भी लगा सकते हो सेंटीमीटर, क्योंकि पैरामीटर जो होता है वो सेंटीमीटर में आता है बच्चों। फॉर्मूला लगाना था, कुछ खास नहीं था इसके अंदर, बोल रखा है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ इतनी, ब्रेथ इतनी, तो लेंथ और ब्रेथ 13 2 जा 26 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14th, राइट एनी टू डिजिट लाइज बिटवीन 0 and 10 विच लुक सेम ऑन हाफ टर्न, मतलब ऐसे कोई 2 डिजिट बताना है जो कि टर्न होने पर भी सेम दिखाई दे, तो बच्चे इसका आंसर होगा आपको हाफ टर्न पर। हाफ टर्न मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे देखो ये एच है, सॉरी मैं आपको एग्जांपल दूँ 4 के साथ, जैसे 2 है,
हाफ टर्न करेंगे तो टू ऐसा हो जाएगा, तो ये सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ऐसी कोई दो डिजिट बताना है अपने को 0 से 10 के बीच में, 0 से 10 में, क्योंकि हाफ टर्न पे सेम आ जाए। तो बच्चों ऐसी दो डिजिट, एक तो 0 खुद है, इसको कितना भी घुमाओ सेम ही दिखेगा 0, और एक होता है 8। अगर इसको आधा टर्न किया जाए, सॉरी ये आधा टर्न नहीं था, ये 1/4 था, आधा टर्न हमारा ऐसा होता है 2 का, सॉरी। तो इसका हाफ टर्न करेंगे तो भी वो ऐसे ही रहेगा, देखो इस वजह से घुमाएंगे तो भी इसका आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है। तो 0 and 8, 0 and 8 इज द आंसर। 15 देखते हैं बच्चों। राइट एन एग्जाम्पल ऑफ कोन फ्रॉम योर सराउंडिंग, आपके आसपास कोन का आंसर दीजिए। और बच्चों 16 भी बता दूंगा इसी के साथ में, हाउ मेनी सेंटीमीटर आर देयर इन 3/4 meter। तो देखिए कोन का आंसर तो हमारे आसपास आइसक्रीम होती है, सबसे बढ़िया आइसक्रीम कोन अपन खाते ही है। और 16 क्वेश्चन में हमको दिया है कि 3/4 meter है, उसको किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। तो हमको पता है 1 meter में होते हैं 100 centimeter, तो 3/4 meter में होते हैं 3/4 × 100 centimeter, बस सिंपल सा काम है, ठीक है। बच्चों कैसे करते हैं, मैं बहुत आसान ट्रिक बता रहा हूँ आपको आज। यहाँ 1 है तो यहाँ 100 है, अब यहाँ पर 3/4 आ गया, तो यहाँ 100 के साथ क्या लिख दोगे, 3/4 मल्टीप्लाई में कर दो, बस सिंपल है। 4 से कटेगा 25 बार, ठीक है। फिर 25 का मल्टीप्लाई किससे होना है, यहाँ बचे हुए 3 से, तो 25 का मल्टीप्लाई 3 से, 25 × 3 = 75 centimeter, ये आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन 17 पे चलते हैं। राइट अ नंबर हूज 10th digit is 3 and 1st digit is 4 more than the 10th digit। क्या बोला उन्होंने कि उसकी 10th digit जो है 3 है, और जो 1s की डिजिट है वो 4 ज़्यादा है 10s की डिजिट से, 4 ज़्यादा है 10s की डिजिट से। तो 10th digit को हमने माना, मतलब दिया है वहाँ पर 3 है, तो ये डिजिट क्या होगी, इससे 4 ज़्यादा, यानी 3 से 4 प्लस करेंगे तो 7, तो आंसर क्या होगा 37। 17 क्वेश्चन सिर्फ इतना आंसर था बच्चों। क्वेश्चन 18 है, इस ग्राफ को देखना है आपको, इस डायग्राम को देखना है क्या लिखा है इसमें। उन्होंने बोला लुक एट द गिवन मैप ऑफ द क्लास एंड राइट द नंबर ऑफ विंडो डोर एंड अलमीरा। विंडो डोर अलमीरा ये बताना है अपने को, विंडो कितने हैं। तो बच्चों यहाँ पर 2 विंडो दिख रहे हैं आपको, ये और ये, और विंडो के बाद डोर पूछे बच्चों, डोर तो आपको यहीं दिख रहा है, एक ये एक डोर, 2 खिड़कियाँ विंडो, अलमीरा आपको यहाँ कोने में एक दिख रही है, तो 2 विंडो, 1 डोर, 1 अलमीरा। आप क्या लिख सकते थे, आप लिख सकते थे नंबर ऑफ डोर्स और नंबर ऑफ विंडोज़, विंडोज़ 2, डोर्स 1, और नंबर ऑफ अलमीरा भी 1, ठीक है। कुछ 19 देखते हैं बच्चों। कन्वर्ट 7.5 into fraction, बड़ा ही आसान था बच्चों ये, तो तभी ने कर दिया होगा। 7.5 आपका क्वेश्चन है, इसको फ्रैक्शन में करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं बच्चों, पॉइंट हटाते हैं तो उसके नीचे क्या आ जाता है, 10 आ जाता है, क्या आ जाता है 10, उसको 5 से काट दो, 5 से 15, 5 से 2, तो 15/2 आंसर क्या है आपका, 15/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 20 meter। किसी स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर जो है वो 20 meter दिया है, हमको इसकी लेंथ ऑफ वन साइड निकालना है, जो कि बड़ा ही आसान है। तो गिवन है, क्या गिवन है बच्चों 20 क्वेश्चन में, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दिया है, 20 meter। बच्चों पेरीमीटर होता है कि स्क्वायर की जो चारों साइड बराबर होती है, देखो ये स्क्वायर में होते 4 साइड हैं,
1 2 3 4, चारों साइड बराबर होती है। इसका जो स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो होता है 4 × साइड। इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 × साइड। ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, इधर आपको डायरेक्ट करके दिखाऊंगा। तो साइड निकालने के लिए 4 जो है ना उससे हमको डिवाइड करना होता है। क्या करना होता है? डिवाइड। ये 4 जो है वो यहाँ से हटके चला जाता है अपॉन में, ठीक है। तो आपको यहाँ निकालना है साइड बराबर पेरीमीटर अपॉन 4। पेरीमीटर कितना है बच्चों हमारा? 20 अपॉन 4, 4 से कटाइए 5। तो आंसर क्या आया? जो आपकी साइड है वो आ गई 5 मीटर। स्क्वायर की साइड कितनी आ गई? 5 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 21। क्या है 21 क्वेश्चन? टेली मार्क्स बनाना 5, 9, 12 के, बड़ा ही आसान है। 5 के टेली मार्क्स क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 5। 9 के क्या होंगे? 1, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हो गए किसके? ये है 9 के। अब निकालना है 12 के। 12 के करने के लिए क्या? 5, 10, 11, 12। सबको पता होगा यहाँ गिनते हैं हम लोग। 1, 2, 3, 4, 4 डंडे, 5वां, 6, 7, 8, 9, 10वां, 11, 12। तो इसे 12 आ गया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सिर्फ बीजांक निकालना है आपको। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है कि 284 का बीजांक निकालिए, ठीक है। बीजांक निकालना है आपको 284 का। तो बीजांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? सबको ऐड करते हैं। 2 + 8 + 4, हमारा आंसर आया 14 आया। 8, 2, 10, 14। फिर जब दो नंबर आए तो इनको भी प्लस करो, 1 + 4, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5। बीजांक मतलब क्या होता है बच्चों? सबको नंबर को हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो आंसर आया आपका 5। बीजांक कितना है आपका? 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आए थे बच्चों 23, 24, वो देख लेते हैं। 25, 26, कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, देन फाइंड हाउ मेनी लीटर ऑफ पेट्रोल विल इट रिक्वायर टू ट्रेवल 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर चलने के लिए कितने उसकी ज़रूरत होती है? हमको दिया क्या है? लिखेंगे कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर इन 1 लीटर पेट्रोल, जो कि बुक में से ही दी, मतलब क्वेश्चन में से मिल जाएगा आपको, ठीक है। 1 लीटर पेट्रोल में कितना चल रहा है? 10 लीटर। तो नंबर ऑफ लीटर पेट्रोल, नंबर ऑफ लीटर पेट्रोल, पेट्रोल कितने लीटर लगेगा अगर वो चलता है 320 किलोमीटर? अगर वो 320 किलोमीटर चलता है और 1 लीटर में अगर 10 किलोमीटर चलता है, तो बच्चों अगर इसको हम 10 से डिवाइड कर दें, क्या करें हम इसको? अगर हम इसको 10 से डिवाइड कर दें 320 को, तो पता चल जाएगा कि कितने लीटर पेट्रोल की ज़रूरत है हमको, ठीक है। बहुत आसान है वैसे तो, 10 × 3 = 30, ये 2 मिस गया 02, 3 मिस गया 0, नीचे लाएंगे 0 को, 10 × 2 = 20, यानी 32 लीटर पेट्रोल में हमारा काम हो जाएगा। तो आंसर है 32 लीटर पेट्रोल। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, एक से ज़्यादा का निकालना है। 1 लीटर में 10, 320 चलने के लिए कितना चाहिए? तो 320 को 10 से डिवाइड कर दिया, पता चल गया कि 32 लीटर पेट्रोल चाहिए, तब 320 किलोमीटर चल जाएगी गाड़ी, ठीक है। 24th क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्या 24 देखते हैं जरा। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 100 ग्राम सॉल्ट कैन बी मेड फ्रॉम 2 किलो 200 ग्राम ऑफ सॉल्ट, मतलब 100 ग्राम के कितने पैकेट बन सकते हैं 2 किलो 200 ग्राम सॉल्ट में, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हम लिखेंगे
2 kg, 200 ग्राम। इसको पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? ग्राम में। सो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 × 1000। जिस किलोग्राम में अगर 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो ग्राम बन जाएगा। फिर इसमें जोड़ देंगे कि 200 ग्राम पहले से, जो जो पहले से ग्राम में है 200, इनको जोड़ देंगे और ये 2 kg का हो जाएगा, 2 × 1000। यहाँ 200 जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा 2000 + 200, यानी 2200 ग्राम है आपके पास। 2200 ग्राम है, इससे 100 ग्राम के पैकेट बनाना है बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ पैकेट ऑफ 100 ग्राम। 100 ग्राम के कितने पैकेट बन सकते हैं? तो बच्चों सिंपल सा है, आपको इसको 100 से डिवाइड करना होगा। किसको? इसको। बच्चों डिवाइड करने का बहुत आसान तरीका है, बताता हूँ। अपॉन में लिख लो आप, लास्ट में 2 0 है, यहाँ भी लास्ट में 2 0 है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाते हैं, फिर बचा 22 / 1। 22 / 1 क्या हो जाएगा? 22 पैकेट्स। आंसर क्या आ जाएगा? 22 पैकेट्स। ठीक है, लास्ट के 2 क्वेश्चन है बस। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 30, 45 विच आर लेस देन 10, 10 से छोटे। 30 और 45 है ना, इसलिए बच्चों करके दिखाते हैं। तो 25वां क्वेश्चन है, फैक्टर्स ऑफ 30। 30 के फैक्टर कौन होते हैं बच्चों? तो बच्चों 30 के फैक्टर होते हैं 1। जिस जिसकी टेबल में 30 आ सकता है उस उसमें, या 30 में जिस जिस नंबर से डिवाइड हो जाता है वो उसके फैक्टर होते हैं। तो 30 के टेबल में 1 तो आएगा ही, मतलब 1 के टेबल में दुनिया आती है, सब कुछ आ जाता है। तो 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है, हर चीज़ का फैक्टर 1 तो होता ही है, और वो नंबर खुद भी अपना फैक्टर होता है। 2 चीज़ें फिक्स है, एक 1 और एक खुद। इसके अलावा 1 के बाद बारी आती है 2 की, 2 का फैक्टर है कि नहीं है इसको चेक करने के लिए 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। 2 × 1 = 2, 3 × 2 गया तो क्या बचा? 1, नीचे लाओ 0, 2 × 5 = 10, तो कितना हो गया? 15, यानी 2 से भी डिवाइड हो गया 15 बार। इसका मतलब 2 से भी फैक्टर है इसका, और 15 भी इसका फैक्टर रहेगा। अगर हम किसी नंबर से किसी को डिवाइड करते हैं तो जिस चीज़ से डिवाइड करते हैं वो तो फैक्टर होता ही होता है, जितनी बार जाता वो भी होता है। तो 2 भी फैक्टर हो गया और 15 भी हो गया। इसी टाइप से अगर 3 से करेंगे तो 3 के डबल में आता ही है, 3 × 10 = 30, तो 3 भी फैक्टर हो गया, और जितनी बार जाता है 10 वो भी फैक्टर हो गया। 3 के बाद 4 से जाएगा नहीं बच्चों, 4 का टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है, 5 × 6 = 30, तो 5 भी फैक्टर और 6 भी फैक्टर। बच्चों 5 हो गया। अब मैंने जब शुरू से शुरुआत करी, मैंने 1 से स्टार्ट किया था, पहले मैंने 1 से किया, फिर 2 से किया, फिर 3 से किया, 4 से गया नहीं, फिर मैंने 5 से किया। बारी किसकी है बच्चों? 6 की बारी है। किसकी बारी है? 6 की। और एक रूल बता दूं आपको, आप लाइन से जब करते हुए चलते हो, आप लाइन से डिवाइड करके पता लगाते हो कौन कौन फैक्टर है कि नहीं, और जब आप किसी नंबर के पास जाते हो और वो अगर पहले से इस लिस्ट में है तो आपका काम खत्म हो चुका है, तो आपको नया नंबर नहीं आएगा। 6 यहाँ आ चुका है, बस बात खत्म। 30 तो हमको पता ही था होगा, तो 30 ये है इसके फैक्टर। 1, 2, 15, 3, 10, 5, 6, 30। ठीक है, अभी 45 के टाइम पे और समझ जाएंगे जिसको नहीं आया अभी तक। फैक्टर्स ऑफ 45 डिग्री, भाई 1 तो आएगा, 1 के बाद 2, देखो 2 45 के टेबल में नहीं आ सकता है बच्चों। इसका कारण बता दूं आपको, बहुत इजी है। जब किसी नंबर के लास्ट में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, जैसे इसके लास्ट में 5 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होता है, रूल है, इसके चेक ही मत करना। फिर बारी आती है 3 की, तो 3 से अगर आप डिवाइड करते हैं बच्चों, तो मुझे पता है 15 × 3 = 45 होता है। अगर 45 को आप 3 से डिवाइड करोगे ना तो डिवाइड हो जाएगा, करके नहीं दिखा रहा हूँ, और कितनी बार होगा? 15 बार होगा, ये पक्की बात है। तो 3 भी फैक्टर हो गया और 15 भी। 4 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 4 जब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 4 से भी नहीं होता है, ध्यान रखना कभी ध्यान से। अगर 2 से नहीं हुआ तो 4 से भी नहीं होगा, 9, 6, 8, 10 किसी से होगा वो। 1 हो गया, 3 हो गया, 4 से नहीं हुआ, 5 से, 5 × 9 = 45, 5 के टेबल 9 बार आता है, तो 5 भी फैक्टर और
नाइन भी फैक्टर। फिर सिक्स की बारी, सिक्स के डबल में आता है क्या? नहीं आता है। सेवन में नहीं आता है, एट में नहीं आता, और नाइन, और जैसे मैंने बोला नाइन का टेबल में आता नहीं आता, नाइन आपने देख लिया यहाँ पहले से प्रेजेंट है तो आपका काम खत्म, बस इससे के बाद लास्ट वो खुद नंबर लिख दो। तो बच्चों ये दोनों के फैक्टर हो गए। अब इनमें आपको देखना है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स देखना है आपको लेस देन टेन, टेन से छोटे कॉमन फैक्टर्स। तो बच्चों देखो टेन से छोटा, एक तो वन यहाँ, वन यहाँ, थ्री यहाँ, थ्री यहाँ, और फाइव यहाँ, फाइव यहाँ, और फिफ्टीन यहाँ, फिफ्टीन यहाँ। तो वन, थ्री, फाइव और फिफ्टीन, सॉरी और फिफ्टीन नहीं लिखेंगे बच्चों, आई एम सॉरी, मैं मिस्टेक हो गई मेरे से। फिफ्टीन क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ लेस देन टेन लिखा है, तो वन थ्री फाइव इसका आंसर होगा ना। ठीक है, वन थ्री एट फाइव। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही बड़ा ही आसान है, डिवाइड दे दिया इस क्वेश्चन में आपको पाँच नंबर में। कितनी अच्छी किस्मत है आप लोगों की कि पाँच मार्क्स से आपको डिवाइड मिला है। आपको आंसर देना है डिवाइड 5420/20 एंड चेक योर आंसर, और आंसर को चेक भी करना है बच्चों। ठीक है, तो 5420 20 से डिवाइड करना है, 22 40, 4 में 0 गया 4, 5 में 4 गया 1, नीचे क्या लाएंगे 2, 20 के टेबल में 140 कितने बार में आता है 7, 2 में 0 गया 2, 4 में 0 गया 0, 1 में 1 गया 0, नीचे क्या लाएंगे 0, 2 बन जा। अब आंसर की जो चेकिंग होती है ना बच्चों, उसमें क्या करना होता है, आंसर चेक करने का मतलब एक फॉर्मूला होता है वो लगाना होता है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है यहाँ पर, डिविडेंड यानी डिवाइडेंड जिसको कहते हैं, डिविडेंड भी कहते हैं, कोई कोई डिवाइडेंड कहते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर प्लस कोशेंट प्लस रिमाइंडर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ रिमाइंडर। तो डिवाइडेड क्या होता है, जिसमें डिवाइड किया गया हो, जिसमें डिवाइड किया गया हो। तो बच्चों डिवाइडेड क्या होता है, जिसमें डिवाइड किया जाता है, तो हमने डिवाइड किया 5420 में, तो हम यहाँ लिखेंगे 5420 डिवाइजर, वो जिससे डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइजर हो गया हमारा 20 इंटू में कोशेंट है बच्चों, इंटू बोला इंटू लेकिन लगा प्लस दिया, इंटू में कोशेंट है, तो कोशेंट मतलब कितनी बार डिवाइड हुआ, 271 बार, ऊपर देखो ये 271, तो इंटू में लिखा 271 और रिमाइंडर बचा कुछ भी नहीं, यहाँ पर कुछ बचा क्या, ज़ीरो रिमाइंडर। तो 5420 इसका मल्टीप्लाई करो इससे, देखो जिसके लास्ट में जीरो होता है, मैंने बोला मल्टीप्लाई करता हूँ, जीरो पहले लगा, तो टू का मल्टीप्लाई करना है 271 में, 2 1 जा 2 2 7 जा 14 का 4 कैरी ओवर 1, 2 2 जा 4 2 का मल्टीप्लाई 2 से, 2 2 जा 4 1 5 5 4 2 0 आ गया आंसर। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS कैसे इक्वल है। ठीक है, तो हमारा आंसर परफेक्ट है। चलिए बच्चों, तो ये था आपका फुल सॉल्यूशन, आई होप आपने अपनी गलतियां पहचान ली होगी कि आपसे क्या गलती हुई या आपका सही क्या गया। ठीक है, और ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, जब अगला पेपर होगा उसके बाद अगले पेपर का वीडियो हमारे कोई ना कोई स्टाफ या टीचर ला देंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।